बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक अली यूसुफ शाह फूड सीक्रेट में। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं, चिकन बिरयानी तैयार करेंगे, तो कमर्शियल स्टाइल में तैयार करेंगे, तय वाली बिरयानी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो बनाना तो शुरू में इसको कर चुके हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं पहले हरे मसाले की तैयारी कर रहा हूँ जो हम इसमें तय में लगाएंगे। तो पहले मैं टमाटर काट लेता हूँ, हरे मसाले की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मसालों की कटिंग हो चुकी है, हरे मसालों की। तो अब जो है सबसे पहले जो है हम इसका सानी तैयार कर लेते हैं, इसको जो है हम सानी कहते हैं। तो टमाटर के साथ जो है हमने धनिया पुदीना जो काट के रखा है ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमने स्लाइस में नींबू काट के रखे हैं, ये इसमें जाएंगे। और अब जो है इसमें शामिल करेंगे अदरक का लच्छा, और यहाँ पे जो है ब्राउन प्याज है मेरे पास, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ में मिर्च, बिरयानी जो है आज हम थोड़ी सी चटपटी बना रहे हैं तो मिर्चें भी हम थोड़ी सी उधर तेज़ रखेंगे, और यहाँ पे जो है इसमें साबुत मिर्चें भी थोड़ी शामिल करेंगे। इसके साथ में इसमें आलू बुखारा शामिल करेंगे, और आखिर में जो है यहाँ पे इसमें थोड़ा गरम मसाला शामिल कर देंगे। तो ये हमारा सानी जो है मुकम्मल हो गया, इसको जो है एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब इसको मिक्स करने के बाद इसको फ्रीज कर देते हैं और इससे आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो अपनी बिरयानी को जो है कलर देने के लिए यहाँ पर रंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें दही शामिल करेंगे, दही के बाद जो है यहाँ पे मेरे पास है जायफल, जावत्री और बड़ी इलायची, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ इसमें शामिल करेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा, और बिरयानी को अच्छा सा रंग देने के लिए ज़रदई रंग इसमें शामिल कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये कैटरिंग लाइन में जो है इसको हम कहते हैं झोल। तो ये हमारा झोल जो है बिल्कुल तैयार हो गया, तो चलिए इससे आगे की तैयारी करते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने दो पतीले लगा लिए हैं, इसमें तैयार करेंगे हम बिरयानी। तो सबसे पहले जो है इसमें थोड़ा ऑयल शामिल कर देंगे अभी यखनी बनाने के लिए। और यहाँ पे मेरे पास है मुर्गी, तो हमारे पास 10 किलो चावल है, और तो 10 किलो ही हम जो है इसमें मुर्गी शामिल करेंगे। तो मुर्गी इसमें डाल देने के बाद यहाँ पे मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें जाएगा। और इसके साथ इसमें हम शामिल करेंगे कड़ी पत्ता, इसकी जो है बहुत प्यारी सी खुशबू जो है हमारी बिरयानी में आएगी। तो यहाँ मसालों में आप देख सकते हैं मेरे पास है लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसी तरह जो है इसमें भी, इसके बाद जो है गरम मसालों में यहाँ पे मेरे पास बादियान है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 kg की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और यहाँ पे जो है कुछ गरम मसाले जिसमें कि ज़ीरा है, लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्च, इसको जो है हम थोड़ा धरधरा करके इसमें शामिल करेंगे। इसको धरधरा करने के बाद जो है हम इसमें बराबर का शामिल कर देंगे, और इसके साथ में इसमें शामिल करेंगे थोड़ी दही। तो इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पे इसमें पानी शामिल कर देंगे, इसी तरह जो है इसमें भी पानी जाएगा। और मैं हरी मिर्चें जो है पिसी हुई डालना भूल गया था, तो यहाँ पे जो है अभी इसमें मिर्चें भी शामिल कर देंगे। तो अब जो है इसको 2 से 3 मिनट तक जो है तेज फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यखनी में उबाल आने लगा है। तो यहाँ पे जो है हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। गोश्त को जो है हम 70% तक गला लेंगे,
बाकी जो है इसमें जब हम इसको दम लगाएंगे, इसको उसमें तैयार करेंगे, तो 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं जब तक हम पसाव की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने पसाव रखा हुआ है, इसमें उबाल आने वाला है, तो यहाँ पे इसमें हम शामिल करेंगे नमक, और नमक के साथ इसमें कुछ गर्म मसाले भी शामिल करेंगे, जिसमें दालचीनी और बादियान, बड़ी इलायची और लौंगे हैं कुछ, ये इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जो है चावलों को जो है मैंने पहले से ही भिगो दिया था। यहाँ पे हम सीला चावल की बिरयानी तैयार कर रहे हैं, तो इसको मैंने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। तो बस इसमें पसाव आ जाए, उबाल आ जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ जब तक हमारा पसाव तैयार हो रहा है, हमारी यखनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं यखनी जो है हमारी तकरीबन बिल्कुल तैयार है। बस इसको इसका यहाँ पे जो है नमक चेक करेंगे, नमक जो है थोड़ा सा चढ़ता हुआ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमक इसमें बिल्कुल सेट है, बस फ्लेम को बंद कर देते हैं और वहाँ पे चावल उबालने की तैयारी करते हैं। पसाव में उबाल आ चुका है, तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़े पानी को अलग कर लिया आबी के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चावल हमने पानी से उठाए हुए हैं, ये इसमें डाल देंगे। चावलों को जो है हम तकरीबन जो है 80% तक गला लेंगे, एक कनीस में छोड़ेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे। अभी हम तेज़ फ्लेम पे जो है इसको इसी तरह चलाते रहेंगे, जब इसमें उबाल आने लगेगा तो जो है हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और चावल को तकरीबन 80% तक गला लेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं, अभी चावल जो है हमारे कच्चे ही हैं, तो तब तक जो है हम यहाँ पे जो हमारे पास यखनी तैयार हुई हुई है इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर देते हैं। सेंटर में थोड़ी सी इस तरह से जगह बना लेते हैं, और ये जो हमने सानी तैयार किया था इसकी तेज पे लगा देंगे। तो इसके बाद जो है हमारा ये झोल रंग बिरयानी का, इसको इस तरह से लगा देंगे। ये देख सकते हैं हमारे चावल जो है तैयार हो चुके हैं, ये 80% तक गल चुके हैं, बस फ्लेम को बंद करेंगे और जल्दी से जो है इन चावलों को उठा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिलेंडर तो सारे चावल उठाने के बाद जो है थोड़ा सा इसका पानी निकलने देते हैं। चावलों का पानी अच्छे तरह से निकल चुका है, तो इसमें अब इस तरह से फैला के चावलों को सेट कर देंगे। इसी तरह जो है दूसरी टोकरी भी इसमें लगा देते हैं, दूसरे बर्तन में। तो अब जो है इसको थोड़ा सा सेट करना है, चावलों को लेवल कर देंगे। और इनको दम पे डालने के लिए अब इनके फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। इस स्टेज पे हमने यहाँ पे पानी लगाना है, जो नमक वाला पानी हमने रोका था। दोनों पतीलों में जल्दी से पानी लगाने के बाद जो है इसको हमने कवर कर देना है। तो अब जो है हमने इसको तकरीबन 15 मिनट का दम देना है, तो फ्लेम को तो स्लो करेंगे, और जो है 5-7 मिनट बाद जो है हमने इसमें थोड़ा घी शामिल करना है। टोटल टाइम जो है हमारे दम का 15 मिनट होगा, तो 5-7 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों इसको अभी 5 मिनट हुए हैं, तो यहाँ पे जो है अब हमने इसमें घी शामिल कर देना है। और घी लगाने के बाद फौरन से वापस इसको दम देना है। इसी तरह जो है इस पतीले में भी इसको भी कवर कर देंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी मज़ेदार सी चिकन बिरयानी तैयार हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिरयानी जो है तैयार हो चुकी है। तो बिरयानी तैयार चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से सेंटर में
चेक करते हैं, अगर इसमें थोड़ा पानी वगैरह हो अभी हो तो वो हमें नज़र आ जाती है। तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, इसको खोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। इसका कलर और इसमें से खुशबू भी बहुत प्यारी सी आ रही है। ये देखें रसीली भी है, जैसी आज मेरे पार्टी ने रिक्वायर्ड की थी कि रसीली भी होनी चाहिए और जो है कलर भी खिलता हुआ। तो मज़ेदार सी हमारी बिरयानी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।